किसी की नहीं पड़ी। तू सौगंध है मुझे, सारे देवता मरे। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म थोर लव एंड थंडर की, तो आप सभी को पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करा है टेका वेटिक ने। और दोस्तों, इस बात को मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है कि थोर मूवी का जो बर्ज है, जो क्रेज़ है, वो कितना ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है। आखिरकार दोस्तों, आपने एवेंजर एंड गेम में भी देखा होगा कि हम सबके बीच में से सबसे पावरफुल हीरो अगर किसी को बताया है तो वो दोस्तों थोर है। और दोस्तों, थोर का जिस हिसाब से बर्ज और क्रेज़ बना हुआ है, उससे कहना पड़ेगा कि मार्वल स्टूडियो का ये काफ़ी बड़ा, बेहद पावरफुल और दोस्तों काफ़ी बेहतरीन, डैशिंग और शानदार एक्टर हैं। आपको बता दें कि इस मूवी का जो रन टाइम है वो केवल 1 घंटा 49 मिनट का है। और इस फिल्म को हमारे भारत में 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज करा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर हम बात करें थोर लव एंड थंडर को हम सभी के बीच में हिंदी वर्जन के अंदर कितने करोड़ रुपये में खरीदा गया है, तो इस फिल्म को हिंदी वर्जन में 20 करोड़ में खरीदा गया है। वहीं पर इंग्लिश में इस फिल्म का जो डब है वो केवल 8 करोड़ रुपये के बिके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फिल्म की अपडेट की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यह फिल्म हम सभी के बीच में 8 तारीख को सिनेमा हॉल्स के अंदर दस्तक देने जा रही है। पर क्या दोस्तों, यह फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पे दोस्तों, थोर लव एंड थंडर जिसका बस 7वां आसमान पर पहुंच चुका है, मुझको लगता है कि यह फिल्म अपने पहले ही दिन 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि इस फिल्म के जितने भी मॉर्निंग के, आफ्टरनून के, इवनिंग के एंड नाइट के शोज है वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। और दोस्तों, थोर लव एंड थंडर को इंडिया की तरफ से एक काफी बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, आपके ओपिनियन क्या है, आप थोर लव एंड थंडर को देखने जाएंगे या फिर नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मुझको लगता है कि थोर लव एंड थंडर हम सभी के बीच में अपने पहले दिन 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। आपके ओपिनियन क्या है, आपको यह मूवी कैसे लगी, फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, कॉमेडी कैसी लगी और साथ ही साथ में हिंदी डब कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।